हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम चर्चा करने जा रहे हैं टॉप 5 सिटीज इन विदर्भ। सो फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट। नंबर 1, नागपुर। फ्रेंड्स, नागपुर सिटी विदर्भ की सबसे बड़ी सिटी है, साथ ही नागपुर महाराष्ट्र का तीसरा सबसे बड़ा शहर भी है। दोस्तों, नागपुर को महाराष्ट्र की सेकेंड कैपिटल भी माना जाता है। फ्रेंड्स, ये अपने ऑरेंज के लिए वर्ल्ड फेमस है, यही कारण है कि इसे ऑरेंज सिटी भी कहा जाता है। दोस्तों, इसे विंटर कैपिटल ऑफ इंडिया और ग्रीनेस्ट सिटी भी कहा जाता है और यही पर स्थित है 0 माइल स्टोर। दोस्तों, और एक खास बात, डबल डायमंड रेलवे क्रॉसिंग आपको यह इंडिया में ओनली नागपुर सिटी में देखने को मिल सकती है। दोस्तों, यहीं पर स्थित है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट और दोस्तों मेट्रो सेवा भी यहाँ प्रारंभ हो चुकी है। यही बात नागपुर को बनाती है विदर्भ का सबसे अलग शहर। दोस्तों, नागपुर शहर एक महानगरीय क्षेत्र है जिसका क्षेत्रफल 393 स्क्वायर किलोमीटर है। 2011 के अनुसार इसकी जनसंख्या 24,95,951 लिंगानुपात और साक्षरता दर 88.39% है। दोस्तों, नंबर 2 में है अमरावती। दोस्तों, अमरावती विदर्भ का दूसरा सबसे बड़ा शहर है। दोस्तों, अमरावती महाराष्ट्र राज्य के दक्षिण हिस्से में बसा हुआ है। दोस्तों, ये विदर्भ का एक उभरता हुआ शहर है। यह शहर शिक्षा, उद्योग, कृषि सभी क्षेत्र में अपनी उपयोगिता साबित कर रहा है। दोस्तों, अमरावती सिटी 183.55 स्क्वायर किलोमीटर के क्षेत्रफल में फैली हुई है। 2011 के अनुसार इसकी जनसंख्या 8,47,951 लिंगानुपात और साक्षरता दर 87.38% है। नंबर 3, अकोला। दोस्तों, विदर्भ का तीसरा सबसे बड़ा शहर है अकोला। यह महाराष्ट्र राज्य के उत्तर मध्य भाग में बसा हुआ है। दोस्तों, कपास इस जिले की प्रमुख फसल है। यह कपास उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है, इसलिए अकोला कॉटन सिटी नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, अकोला सिटी 124 स्क्वायर किलोमीटर के क्षेत्रफल में फैली हुई है। 2011 के अनुसार इसकी कुल आबादी 5,77,000, महिला पुरुष लिंगानुपात 946 और साक्षरता दर 88.54% है। नंबर 4, चंद्रपुर। दोस्तों, चंद्रपुर विदर्भ का चौथा सबसे बड़ा शहर है। दोस्तों, चंद्रपुर पूर्वी महाराष्ट्र क्षेत्र में स्थित है। दोस्तों, चंद्रपुर अपनी खनिज संसाधनों के लिए जाना जाता है। महाराष्ट्र के कुल खनिज उत्पादन में चंद्रपुर जिले का योगदान 29% है। यही कारण है कि इसे द ब्लैक गोल्ड सिटी भी कहा जाता है। दोस्तों, यहीं पर स्थित है भारत का सबसे बड़ा कागज निर्माता और निर्याता बल्लारपुर इंडस्ट्रीज। दोस्तों, चंद्रपुर शहर 76 स्क्वायर किलोमीटर के क्षेत्रफल में फैला हुआ है। 2011 के अनुसार इसकी कुल आबादी 3,21,961 महिला पुरुष लिंगानुपात और साक्षरता दर 80.01% है। नंबर 5, यवतमाल। दोस्तों, यवतमाल है विदर्भ का पांचवा सबसे बड़ा शहर। दोस्तों, यह शहर महाराष्ट्र राज्य के उत्तर पूर्वी हिस्से में बसा हुआ है। दोस्तों, यह जिला कपास की खेती के लिए प्रसिद्ध है। काटन ग्रेनिंग और प्रेसिंग यहाँ का मुख्य व्यवसाय है। बीड़ी बनाना, शुगर मिल, सीमेंट फैक्ट्रिया भी इस जिले में स्थित है। दोस्तों, यवतमाल जिला 90 स्क्वायर किलोमीटर के क्षेत्रफल में फैला हुआ है। 2011 के अनुसार इसकी कुल आबादी 2,70,000, महिला पुरुष लिंगानुपात 942 और साक्षरता दर 82.82% है। सो आई होप फ्रेंड्स कि आपको मेरी यह वीडियो पसंद आई। नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आपको मेरी यह वीडियो कैसी लगी। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं जल्द किसी और वीडियो के साथ। जब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद।